नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। लव जिहाद धर्मांतरण पर सख्ती होनी चाहिए। झांसी जैसे देश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। इसी तरह का एक मामला आज झांसी में देखने को मिला, जहां नवाबाद थाना क्षेत्र में रहने वाली दलित युवती ने सद्दाम नामक युवक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने नौकरी लगवाने के नाम पर युवती के ओरिजिनल कागजात ले लिए और ब्लैकमेल करने लगा। जब लव जिहाद धर्मांतरण का मामला हिंदू जागरण मंच के संज्ञान में आया, हिंदू जागरण मंच में जिलाध्यक्ष श्री राम नरवरिया आदि कार्यकर्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा द्वारा तत्काल नवाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रोज आता है, उसका नाम सद्दाम है, उसके पिताजी का नाम मोहम्मद अजीज खान है और रोज आता है, दंगे करता है, कहता है मेरी जान चल मेरे साथ है, कहता तुम मतलब मैंने तुम लोग तुम्हारे कागजात लिए थे तो तुम मेरी बीवी बन गई अब है, तुम हिंदू नहीं हो मुस्लिम हो अब तुम हैं, और सरकारी नौकरी के लिए उसने मेरे कागजात ले लिए हैं और कहने लगा तुम मेरी बीवी हो अब तुम्हारी मैंने तुमसे निकाह कर लिया अब तुम मेरे साथ चलो है, और तुम यहाँ क्यों रह रही। अनाविया कहता अनाविया कह कह के पुकारता है और मोहल्ले में बहुत दंगे करता। आया 3 जुलाई की रात शाम 6 बजे करीब आया तो उसने मेरा हाथ खींच के कहने लगा चल तू मेरे साथ, तू मेरी बीवी है, तू यहाँ क्यों रह रही, तुम चंवरिया बन के है, तू मैंने तुझे मुस्लिम बना लिया अब तू मुस्लिम बन के रहना यहाँ पे मत रह, चल तू है। तो उसने मेरे मतलब मैंने उसको विरोध किया तो वो मुझे मारने लगा, तो फिर मैंने उसको 2-3 चप्पल मारी, फिर और मारने लगा तो मेरे भाई ने मुझे बचाया। मम्मी लोगों ने शिकायत की आपने थाने में? हाँ की थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। अभी कहाँ आए हैं? कौन आज कहाँ आए हैं? SP ऑफिस आए हैं।